हैशटैग मुंबई ये करके सॉन्ग वर्ल्ड में टेंथ में और इंडिया में फर्स्ट पे चल रहे हैं और आज आपके बर्थडे का मौका भी है, ये आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट है? आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ये ब्लेसिंग ही है और दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट और हम सब के लिए और हम सब इसको साथ में इंजॉय कर रहे हैं एंड टचवुड हमारी पूरी कोशिश रहेगी जैसे हमने दिल से और मेहनत से गाना बनाया आगे भी हम मिलके ऐसा सोशल मैसेज हमारी यूथ को देना चाहेंगे कि देर इज़ एन अवेयरनेस बिटवीन एवरीबडी। एक्चुअली 20 तारीख को हमने इसका टीज़र लॉन्च किया था, 24 को जिसका मतलब आज ये गाना रिलीज़ होने वाला था बट पता नहीं क्या हुआ हमारे कुछ क्लिप्स हाँ लीक हो गए थे एंड फिर हमने सब ने आई थिंक पूरी 07 ने डिसीजन लिया कि हम इसको कल अपने फैंस को एज अ गिफ्ट एज अ सरप्राइज देंगे और हम बहुत नर्वस थे सारे के सारे क्या हो गया लेकिन फैंस ने इतना सपोर्ट किया इनके इतना सपोर्ट किया कि आज जो कंटेंट हमारा वायरल हुआ था उसमें लास्ट सिक्वेंस नहीं आया था जो कि मेन था तो हम लोगों को एक चीज़ ये मिल गया प्लस पॉइंट के लोगों का और मैसेज आने लग गया कि मतलब कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है प्लीज़ हमें फुल कंटेंट देखना है ये और हम लोगों को भी लगा कि थोड़ा थोड़ा क्यों पूरा दिखाते हैं तो हम लोग ने फिर मतलब एक दूसरे में बात कर लिए थे कि हम लोग यूट्यूब प्रीमियर करेंगे इसे और फैंस लोग को गिफ्ट देंगे 24 को जो आने वाला था वो हम लोग उसके अगले दिन ही कर दिए थे। आई थिंक इंडिया में ही नहीं हमारा गाना 8 कंट्रियों में ग्लोबली ट्रेंडिंग कर रहा है तो आई थिंक टू द वर्ल्ड वी आर गिविंग अ मैसेज दैट टू से नो टू ड्रग्स सी ए टू यस टू लाइफ क्योंकि आज के जो यूथ के हमारे जो बच्चे हैं इंडिया के ये काफ़ी ज़्यादा नशा करने लग गए हैं एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे टू स्टॉप देम। हमारा जो लास्ट का डायलॉग भी है अगर आप किसी को ड्रग्स करते हुए देखते हैं जैसे फैजू ने कहा था आप बोलिए आप डायलॉग बोलिए नहीं याद है तो पहला डायलॉग था फैज का छोड़ना यार अगर आज इसे छोड़ दिया ना अगर आज इसे नहीं रोका ना अगर आज इसे नहीं रोका ना तो कल इसके फ्रेंड्स एक मिनट मुझे बोलने तो अगर आज इसे नहीं रोका ना तो इसके फैन हो रहा एक मिनट इसके अगर आज इसे नहीं रोका ना तो इसके दोस्त और इसकी फैमिली इसे खो देंगे। पूरा शूट हमारा पिकनिक था शूट तो था ही नहीं पूरा शूट ही फनी था एक से एक हमारे पास चमत्कारी हम बहुत ही जल्दी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे बट वेरी सून आई थिंक प्रॉब्ली इन द कमिंग मंथ वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट सॉन्ग। थैंक यू सो मच आप लोग ने मतलब इतना 2 दिन में 3 लाख वोट आया हम लोगों को और बहुत अच्छा लगा साइन किए 3 लाख लोगों ने थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ अच्छा आने वाला है। अभी जल्दी आपकी बर्थडे भी है 5 अक्टूबर को तो क्या तैयारी मिलके सबको न्यूज़ दे रहे हैं बताओ थैंक यू सो मच फैंस आप लोग ने इतना सपोर्ट किए हमारे सॉन्ग को नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है 3 दिन से थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं हम लोग थक जा रहे हैं कमेंट देखते देखते इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को मगर पूरा देख रहे हैं हम लोग ज़रूर नज़र ना लग जाए गड्डी साड़ी आरियानू नज़र ना लग जाए गड्डी साड़ी आरियानू वक्त ने जो भी आजमाया यार मेरे नाल मेरे खड़े ने जद शूलेज बंद नहीं होने सी उदो दे हुए मेरे नाल बड़े ने मेरे लिए नहीं मंगदा यारा ली दुआवा रब्बा बुरी नजरों से बचाई साड़ी आरियावे थैंक यू जाए गड्डी साड़ी आरियावे हैशटैग मुंबई न्यूज़ जो कि हमेशा हम लोग के साथ में है हम लोग को सपोर्ट करते आए तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस थैंक यू फ्रॉम टीम 07 थैंक यू सो मच कलफान भाई थैंक यू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब हैशटैग मुंबई न्यूज़ हसनैन भाई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी स्वाइप अप करो और कमेंट करो ऐसी अफवाह चल रही है कि ऐसा स्पेस में टीम 07 के कुछ मेंबर या अदनान की एंट्री बनी हुई है आवेश जी नज़र ना लग जाए सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है फर्स्ट पे इंडिया में तो कैसा लगा आपको
मुझे जो गाना अच्छा लगा इसका पता नहीं ट्रेंडिंग नहीं नंबर 1 पे चल रहा है ये तो होना ही था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।